एक बड़ी खबर सबसे पहले आपके सामने ये रही। कश्मीर पर भारत को बदनाम करने के लिए बड़ी साजिश रची गई है। पाकिस्तान ने अपने सभी दूतावासों को फैक्स मैसेज भेजा है सभी देशों में कश्मीर पर वेबिनार और इवेंट कराने को कहा गया है। ये देखिए बौखलाहट बेताबी इवेंट्स में कश्मीर पर मानवाधिकारों का प्रोपेगेंडा चलाने का पूरा प्लान बताया गया है। आज होने वाले इस कार्यक्रम के लिए दूतावासों को अलग से फंड मुहैया कराया गया है। जी हां, पाकिस्तान किस तरह से कश्मीर पर अपना प्रोपेगेंडा जारी रखना चाहता है और मौजूदा कश्मीर के हालात को देखते हुए उसकी बौखलाहट किस कदर है, ये सब कुछ पाकिस्तान की ये साजिश बेपर्दा कर रही है। और पाकिस्तान का कश्मीर पर यह जो खतरनाक प्लान है ये अब जाहिर हो चुका है। पाकिस्तान ने हाल में कश्मीर सेल की मीटिंग बुलाई थी। जी हां, कश्मीर सेल की बाकायदा मीटिंग बुलाई जाती है और उसमें तय किया जाता है कि 27 अक्टूबर को क्या क्या करना है, कैसे प्रोपेगेंडा करना है। बैठक में ISI, पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय, इसके तमाम अधिकारी शामिल थे। कश्मीर पर भारत को बदनाम करने के लिए खास एजेंडा जो है वो तैयार किया गया। दूतावासों को बाकायदा ऑफिशियली फैक्स मैसेज भेजा गया है और उसमें पूरे कार्यक्रमों की फहरिस्त है कि ये करना है। कई देशों में कश्मीर पर वेबिनार और इवेंट कराने का भी आदेश दिया गया है ताकि भारत विरोधी प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाया जा सके। अमेरिका यूरोप समेत कई देशों में भारत के खिलाफ ये प्रदर्शन होगा और माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी भारत के खिलाफ, कश्मीर के खिलाफ, भारतीय सुरक्षा बलों के खिलाफ फर्जी मानवाधिकार हनन का एजेंडा चलाया जाएगा। इस्लामाबाद से सभी पाकिस्तान दूतावासों को अलग से फंड भेजा गया है इसका, भारत को छोड़कर, क्योंकि भारत को कैसे भेजेंगे। कार्यक्रम में कश्मीरी अलगाववादियों को न्योता भेजा गया है, खास तौर पर वो अलगाववाद जिसकी कमर तोड़ दी गई है जम्मू कश्मीर में, उसको एक बार फिर जिंदा करने की कोशिश। सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप पर भी एजेंडा चलेगा। मीडिया में इस पूरे प्रोपेगेंडा की बेहद कवरेज मिले इसके लिए भी खास प्लानिंग की गई है। 27 अक्टूबर को पाकिस्तान कश्मीर ब्लैक डे मनाता है और इसी मौके को और ज्यादा दुनिया के सामने उजागर करने के लिए, झूठा प्रोपेगेंडा चलाने के लिए किस तरह से साजिशें रची गई हैं, क्या पूरा प्लान था वो, दरअसल आप ये कुल मिलाकर समझ लीजिए कि प्लान एग्जीक्यूट होने से पहले ही उसका भंडाफोड़ हो गया, ये हुआ है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।